आप लोगों को पता है इतनी ठंड सी ना बाहर, मतलब के आई होप आप लोग को ये बात पहले किसी ने नहीं बताई होनी। मैंने स्टॉल का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। एक यूट्यूबर जो है ना, वो बेशक छोटा हो या बड़ा हो, अपने सब्सक्राइबर्स स्वागत तो करो हमारा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हम सब लोग, सब ठीक ठाक होंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आप लोग को पता चल गया होना टाइटल से कि आज हम लोग आए हैं ढोलकी के ऊपर, अलग ढोलकी बजाने आए हैं। तो ढोलकी किसकी है, क्या है, तो आप लोगों को आगे चल के बताते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, हम लोग आ चुके थे, तो यहाँ पर भी आते ही हमने छापा मारा था केक के ऊपर। तो केक ना, मेरे कज़न का बर्थडे था तो उसका केक पड़ा हुआ था, तो फिर हम लोगों ने भी खा लिया। तो काफ़ी मज़ेदार केक था, वैसे भी चॉकलेट केक होना और बड़े मज़े का लगता है। तो खैर ये दोनों फ्लेवर्स थे, तो मज़ेदार केक था, तो हमने फिर खा लिया इसकी। काफ़ी हमने बुरी हालत की थी, तो यहाँ पर बस हम लोग केक ही खा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर चाय बन गई थी, फिर हम यहाँ पर चाय पियेंगे। बस हम लोग ना आज खाते पीते ही रहे हैं। पता क्या होता था, खाते थे पीते थे और ढोलकी बजा लेते थे, फिर खाते थे पीते थे फिर ढोलकी बजा लेते थे। तो बस इसी तरह से ना टाइम गुजरा, इतना मज़ा आया ना। आज का व्लॉग ना आप लोग को भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा ना, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं मेरा ये व्लॉग, तो सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर देखें जी, चाय पी ली थी और मेरी कज़न ने ना मेबलिन का आईलाइनर मंगवाया था, तो यहाँ पर हम लोग बस वही चेक कर रहे थे, तो बहुत अच्छा था ये। अच्छा, तो यहाँ पर ना फिर हमने थोड़ी सी ढोलकी वगैरह बजा ली, उसके बाद ना फिर यहाँ पे बर्गर्स बनाने थे। तो मेरी कज़न आ गई थी किचन में, तो उसने ना ये फर्स्ट टाइम हमें बर्गर्स बना के खिलाए थे, तो ये काफ़ी मज़ेदार बर्गर्स बने थे। तो मैं सोचा आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि हम उसके पास ही किचन में खड़े हुए थे। तो फिर मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी। तो ये ना काफ़ी मज़ेदार थे। और यहाँ पर देखें जी, साथ में लोडेड फ्राइज़ बन रहे हैं, और ये देखें सब वे बर्गर्स बन रहे थे। उसकी ये सॉस है, सॉस में ना योगर्ट लिया था, उसमें फिर मेयोनीज डाल दी थी, और साथ में जी यहाँ पर पेपरिका पाउडर डाल दिया था। तो यहाँ पर बस इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर लोडेड फ्राइज़ बन रहे थे, लोडेड फ्राइज़ में मेयोनीज थी और साथ में जी चिली केचप थी, और ना इसे मिक्स कर लिया था। और ये देखें, फ्राइज़ लगा देने हैं, एक लेयर उसके ऊपर लगा देनी है जी हमने, ये जो सॉस बनाई है वो लगा देनी है। यहाँ पर साथ में हमने ना चीज़ ले लेनी है, ये चेडर चीज़ या मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं, और किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, जिस ब्रांड की आप लोग को पसंद है। उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पर ऊपर हमने हॉट शॉट्स लगा देने हैं, जितने आपके पास अवेलेबल हैं ऊपर सारे डाल दें, या जितनी क्वांटिटी आप लोग को अच्छी लगती है वो डाल दें आप लोग। और उसके ऊपर जी हमने डाल देनी है चीज़ की लेयर, एक लगा देनी है, आपके पास शेडेड चीज़ है वो डाल दें, यहाँ पर स्लाइसिस थे तो इन्होंने वो डाल दिए थे, और ये अलोडी फ्राइज बहुत अच्छे बने थे। वैसे ना मुझे आम ना ये बाहर के लोडी फ्राइज अच्छे नहीं लगते, तो ये जो घर में हम बनाते हैं ना खुद, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पर देखें जी, फिर हमने इसे ना ओवन में बेक कर लेना, अगर आप लोगों के पास ओवन अवेलेबल है, वरना फिर आप लोग इसे ना माइक्रोवेव कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर ओरिगैनो तोड़ लेना आप लोगों ने थोड़ा सा। उसके बाद देखें जी, ये सब बर्गर की ना एक और सॉस है, उसमें डाला है जी मस्टर्ड पेस्ट, हनी डाला है और लेमन जूस डाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें जी, हमने लेयरिंग कर देनी है बर्गर्स की। बर्गर के ऊपर पहले हमने सॉस लगानी है। अच्छा, ये एक और सॉस थी, इसमें थी जी मेयोनीज थी, केचप थी, चिली केचप थी, बस ये थी। ये सारी तीनों सॉसेस हमने ना इसके ऊपर लगा देनी है, और ये इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को ना, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और फिर आप लोग इस रेसिपी को ना बार बार बनाएंगे, ये इतने मज़ेदार। और चिकन इसका इस तरह बना था कि इसमें ना वैसे ही जो चिकन को बाइट साइज में करके ना उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के उसे पका लेना है, उसके बाद इसे ना थोड़ा सा श्रेड कर लेना है। उसके बाद देखें जी, इसकी लेयर लगा देनी है, उसके बाद हमने ककम्बर्स डाल देने हैं, ये
जो होती है बंद गोभी डाल देनी है, टमाटर डाल देने हैं और यहाँ पर जी ऑलिव्स डाल देने हैं, ठीक है, काले और यहाँ पर आप लोग ग्रीन डाल लें। वैसे ये वाले ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहे थे तो आप लोग भी यही डालिएगा, ठीक है। इसके ऊपर फिर हमने ना ऊपर सारी सॉसेस दोबारा से डाल देनी है और ये मस्टर्ड पेस्ट वाली सॉस जो है ना ये भी ऊपर से ड्रिजल कर देनी है और बस फिर जी हमारा बर्गर हो जाएगा रेडी। अच्छा, कई लोग ना गरम खाते हैं, कई ठंडा खाते हैं। वैसे जो सैलेड होता है ना वो ठंडा ही बर्गर में अच्छा लगता है, गरम कर दो तो फिर वो बेरा गर्क हो जाता है। तो आप लोगों ने भी गरम नहीं करना बिल्कुल भी, बाहर से थोड़ा सा सेक ले और लेकिन अंदर से आप लोगों ने गरम नहीं करना तो वो मज़ा नहीं आएगा ना फिर इस तरह से। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने सबवे खाया हुआ ना उन्हें पता होगा कि अंदर वाला जो सैलेड है ना वो गरम नहीं करते तो ठंडा ही खाते हैं, तो ठंडे का ही मज़ा आता है। और बाहर से आप लोग थोड़ा सा कलर वगैरह दे लें, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है। तो यहाँ पर जी हमारा बर्गर जो है ना वो रेडी हो गया था और ये इतना मज़ेदार बना था ना, बहुत अच्छा बना था ये, तो आप लोगों ने ना ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर जी बर्गर को हम लोग सेक रहे हैं और यहाँ पर बाकी के बर्गर्स भी रेडी हो रहे हैं, वैसे ही लेयरिंग कर देनी है हमने और बाकी के भी बर्गर्स रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर जी लोडी फ्राइज भी रेडी थे, बस हम लोगों ने अब खाना खाना था। और खाना ये देखें कितना प्यारा कलर आया ना, आप लोगों ने भी बस ऐसे ऊपर से ना थोड़ा सा कलर दे देना इसको और जिस तरह चाहे मर्जी आप लोग बना सकते हैं। तो फिर ना हमें रात को भी भूख लग गई तो इसी सारी सॉसेज, ये बस चिकन नहीं था तो हमने ना इसकी जगह हॉट शॉट्स डाल लिए थे तो काफ़ी अच्छे वो भी बन गए थे ना। तो ये देखें जी लोडेड फ्राइज भी रेडी हो गए हैं और यहाँ पर हॉट शॉट्स भी रेडी थे, बर्गर्स भी रेडी थे, बस अभी बन ही रहे थे बाकी के भी। तो हमने सोचा उतनी देर ढोलकी बजा लेते हैं दोबारा से, तो यहाँ पर हम लोग ना बस सिखा रहे थे एक दूसरे को ना ढोलकी बजाना। तो बस यहाँ पर देखें जी टेबल लग चुका था और ये बड़े मज़ेदार सारा कुछ ऊपर लग गया था। तो अब बस हमने खाना था तो खाते हैं फिर। ये देखें, इनसे सब्र नहीं हुआ, बहुत अच्छा बना यार, मज़ेदार। अब मैं ये खाऊंगी क्योंकि मैंने मास्क लगाया, अभी मैं खा नहीं सकती तो मैं खा के आप लोग को बताती हूँ कि कैसा बना, ठीक है। इस स्टॉल का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। इसका क्या नाम है? फाइडा ब्लैक ब्लैक ऊट। ये ब्लैक पत्थर है, ये किसके साथ? ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर, हमने सावे बड़ा खा लिया था कि वो दाल, तब हम ऊपर जा रहे हैं चक्कर लगाने। अच्छा, हमने खा लिया था खाना, उसके बाद ना बहुत फुल हो गए थे तो हमने सोचा ऊपर चक्कर लगा के आते हैं छत पे दो चार, तो चलें ऊपर चलते हैं फिर मिलते हैं आप लोग को, ठीक है, चलें। ये देखें जी हम छत पे आ गए। ये कौन लड़की है? अच्छा जी, बर्गर वगैरह खा के ना तो फिर हम लोग चले गए थे ऊपर छत पर ज़रा ना वॉक करने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खा लिया था तो ज़रा हमने कहा ऊपर नीचे कर लें चीज़ें जो है ना लेयर लगा लें। तो फिर नीचे आए तो फिर गाजर का हलवा खाया, साथ में ड्राई फ्रूट खाया थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा से हम ढोलकी बजाने लग गए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? Na 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 na
सब क्या देखना पड़ रहा है। आजो 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 फटाफट आओ। चर्च चर्च। तो बस जी फिर आज ना हम सारा दिन ऑन एंड ऑफ ढोलकी बजाते रहे और बहुत मज़ा आया ढोलकी बजाने का। तो बहुत मज़ा आता है ना ढोलकी बजाने का, इन इवेंट्स का बहुत मज़ा आता है। मतलब आपके घर अगर शादी है तो ढोलकी पहले से ही रख लो, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी ना। तो फिर यहाँ पर मेहंदी लग रही थी, साथ में कॉफ़ी पी रहे थे। तो ये अगले दिन का व्लॉग है, मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने पिज़्ज़े वगैरह खाए, फिर आते हुए आइसक्रीम खाई और फिर हम लोग जी घर आ गए थे। तो बस यहाँ पर जी व्लॉग का करते हैं एंड। तो यहाँ पर हम लोग फिर घर की तरफ चलते हैं। तो आई होप आप लोग को ना वीडियो अच्छी लगी होनी है और ढोलकी पे गाने भी अच्छे लगे होने। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ रिकॉर्ड कर सकी, तो जितना हो सके मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा यार, तो यहाँ पर ना हम लोग घर आ गए हैं। जो आप लोगों को पता है इतनी ठंड सी ना बाहर, मतलब कि दो दिन से ना इतना कोई ठंड नहीं थी, लेकिन आज बड़ी ठंड सी गई यार। बाहर भी बड़ी ठंड थी, इतनी ठंड लगी है ना। लेकिन हमने क्या किया कि हम आते हुए पिए हैं कोल्ड कॉफ़ी, साथ में खा लिया आइसक्रीम। तो ये है कि उससे ना ठंड ज़रा कम लग रही थी। तो ये है कि जब आप सर्दी में आइसक्रीम खाएं ना तो आप लोग को ठंड नहीं लगती। तो आई होप आप लोग को ये बात पहले किसी ने नहीं बताई होनी, मैंने बताई है। तो ये है कि आप लोग इस तरह की अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें फटाफट कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि यार पता है आप लोग को कि एक यूट्यूबर जो है ना, वो बेशक छोटा हो या बड़ा हो, अपने सब्सक्राइबर्स के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सब कलपते हैं कि सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप कुछ बना रहे हैं तो कोई अगला देखे भी तो सही ना। तो आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आई होनी है। तो अगर आई है तो चलें फिर सब्सक्राइब कर लें। और आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होना है। तो अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, डू लेट मी नो कि आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को एज मच एज यू कैन पीपल शेयर किया करें, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि दूसरों को भी अच्छी चीज़ें देखने का ना मौका मिलना चाहिए। क्यों, आप लोग एग्री करते हैं ना, मुझे पता था। तो बस इसीलिए शेयर कर दिया करें। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के और मज़े मज़ेदार व्लॉग्स देखने हैं तो आप लोग को पता है फिर आप लोगों ने क्या करना है देखने के लिए। तो बस जी यहाँ पर आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। तो आई होप समझ आ गई होनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।